हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 क्लास 12th का, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इस बार पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, थोड़ा समझने वाली बात है। अगर इसमें समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी पूरे क्वेश्चंस में। देखो भाई, क्या होता है कि ये भी एक टाइप है इंटीग्रेशन का, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जनरली हमें पूछे जाते हैं। जब अब डिफिकल्टी लेवल में बढ़ेंगे हम इसके चैप्टर के, तो इससे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर सम स्पेशल इंटीग्रेशन से, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है, डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो समझना कि कभी भी क्या होता है कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर qx के फॉर्म में अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो, ठीक है। अब ये px/qx क्या है, देखो भाई ध्यान से कि px और qx जो है अपना फंक्शन है, ठीक है, x का फंक्शन है, ठीक है। px और qx जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और एक बात और, qx जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा। और px/qx के बारे में एक और बात जान लो कि px/qx, देखो ये कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए। देखो कभी भी ये इस पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये कंडीशन जरूरी होनी चाहिए कि px और qx जो है फंक्शन है x का, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अगर मान लो px या qx में से कोई एक भी x का फंक्शन नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं लगेगा ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि qx जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा कि इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन ये देख लो कि px/qx जो है इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन या रेशनल फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ये, ठीक है। px/qx इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो भाई देखो, ये तीनों कंडीशंस तो हमने देख लिए कि भाई अपने पास ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हमारे पास सामने सवाल ये आता है कि हम कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग रख सकते हो ताकि आगे क्वेश्चन करने में तुमको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलो, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बताने के लिए कहा है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मैंने पहले तो आपको कंडीशन बता दी कि भाई ये कंडीशन होगा तो भाई अपना क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ठीक है। चलो, अब पार्शियल फ्रैक्शन से होगा तो ये तो पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, तो ये देखो ध्यान से देखो। अगर मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से है, ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारा है, पहला कंडीशन देते हैं कि क्वेश्चन तुम्हारा है px/q (x-a) और (x-b), ठीक है। यहाँ पे a और b बराबर नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को ना, अब देखो, मैं इंटीग्रेशन के अंदर दिया हुआ है कि px/q (x-a) x-b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को, इसको रिप्लेस, इस पूरे को रिप्लेस करेंगे a/(x-a) + b/(x-b), इसमें रिप्लेस करेंगे, ठीक है। a/(x-a) और b, इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे किससे, इससे, ठीक है। और हम a और b की वैल्यू निकाल के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपली एग्जांपल दूंगा मैं, बस इसको नोट करके लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिख लो, ठीक है। एग्जांपल इसका भी दूंगा मैं, क्वेश्चन ये पूरे समझाने के बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको केवल इसको समझ लो, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन है अपना कि dx/(x+1) और (x+2), ठीक है। तो हम क्या क्या कर देंगे,
देखना ध्यान से, वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, और एक्स प्लस टू। अच्छा वन, अभी मैंने बोला था कि भाई पी एक्स और क्यू एक्स दोनों एक्स का फंक्शन है, चलो भाई ये वन जो है वन भी एक्स का फंक्शन ही है, एक्स टू पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन भी एक्स का फंक्शन ही है, ठीक है। अच्छा चलो, डिनोमिनेटर में वन नहीं होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर में वन होगा तो मत सॉल्व करना इसको ऐसे, डिनोमिनेटर में होगा तो तब तो सिंपल ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर वन होगा तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में होगा तब मत करना, ठीक है, वो आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहें, इसको क्या लिखने के लिए कहा था मैंने, सर ने बताया था कि ए अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, यही बताया था मैंने, यही बताया था। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो एलसीएम लेके देखें, तो वन वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी, देखना ध्यान से, सॉरी वो थोड़ा नीचे चला गया था, ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है तो कट जाएगा, ठीक है, अब बचेगा क्या, वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म के कोफिशियंट को और एक्स वाले टर्म के कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 2a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ना इसका इसका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x वाला टर्म इधर आई नहीं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू माइनस बी अगर यहाँ पुट करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस बी अगर यहाँ पुट करेंगे तो माइनस टू बी प्लस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो माइनस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई, b इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू वन माइनस वन पुट करेंगे, b इज इक्वल टू माइनस वन, b इज इक्वल टू माइनस वन अगर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, हम इसकी जगह पे वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू dx, ठीक है, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, dx अंदर दोनों जगह जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस वन माइनस dx अपॉन x प्लस टू, ठीक है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस वन माइनस log ऑफ x प्लस टू, ठीक है, तो क्या बचेगा, log ऑफ mod ऑफ x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस c, बन जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो तो ये तो अपना पहला टाइप था, पहला जो टाइप था यहाँ पे px प्लस q अपन x माइनस a x माइनस b, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं सेकेंड टाइप क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी एक्स, होप आपको समझ में आ गया होगा पिछला क्वेश्चन, ठीक है, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी होगी, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करके देखेंगे कि ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसकी जगह पे आप ये रिप्लेस करके देखेंगे, ठीक है, इसकी जगह पे ये रिप्लेस करके देखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखना भाई, px अपॉन qx या px प्लस q अपॉन x माइनस a का, या x प्लस a जो भी है, x माइनस a, x प्लस a, दोनों हो सकता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। माइनस प्लस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि इसी फॉर्म का आ रहा है ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, अब देखो 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसे रिप्लेस हो गया, अच्छी बात है। अब देखो भाई क्या होता है कि 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम लेके देखेंगे, एलसीएम लें, ए एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, हो गया। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, अब देखो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर से x प्लस 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ पे बिल्कुल ध्यान मत देना, बैकग्राउंड नॉइज़ जो है थोड़ा सा इस एरिया में आएगा, ठीक है। अभी क्योंकि मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, ठीक है। जल्दी मैं इसको रिप्लेस करने की, इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना। अभी जो कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। जल्दी मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि 3x माइनस 1 को किससे रिमूव करेंगे, ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है ना। अब देखो x वाले टर्म के कोफिशियंट को इक्वेट करें, 3 इज इक्वल टू a हो जाएगा नहीं हो जाएगा, x वाले टर्म के कोफिशियंट्स को इक्वेट किया। अब बिना x वाले टर्म के कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस b हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस b हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। अपन को a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 7 आ गया। पुट करेंगे इसमें, कहाँ गया, इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a कहाँ गया भाई, a की वैल्यू क्या थी, 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन था तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर ले जाएंगे, dx अपॉन x प्लस 2, ठीक है, माइनस 7 बाहर ले जाएंगे, dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा, 3 log x प्लस 2 माइनस 7 x प्लस 2 टू पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो 3 log x प्लस 2, ठीक है, प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी, हो गया अपना आंसर, हो गया अपना आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं तीसरा, ठीक है, थर्ड टाइप क्या कहता है कि px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए
x माइनस बी एंड x माइनस सी, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, a अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। चलो तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। अगर एक एग्जांपल लेके देखें इसका, एग्जांपल लेके देखें, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो अपना क्वेश्चन है 3x-1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 अपॉन x-1, x-2 एंड x-3। अब कोई बोलेगा कि भाई एक्स पी एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो पी एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया, एक्स मतलब पी की वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पे, ठीक है। क्यू एक्स और प्लस की जगह माइनस है आर, ठीक है। तो पी की वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पे, इसलिए पी एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही अट गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब देखना। अपना क्वेश्चन था 3x-1 अपॉन x-1 x-2, ठीक है, एंड x-3 था ना। तो हम क्या रिप्लेस करेंगे, a को रिप्लेस a अपॉन x-1, ठीक है, प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। इस तरह से कर लेंगे, अच्छी बात है, इस तरह से बिल्कुल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ना एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। तो 3x-1 x-1 x-2 x-3, ठीक है, a x-2, क्योंकि इसके नीचे x-1 है, ठीक है, x-1 तो पहले से ही है, तो x-2 और x-3, ठीक है, प्लस b x-1 और x-3 प्लस c x-1 x-2, ठीक है, अपॉन इन सब के अपॉन x-1 x-2 और x-3 होगा, बिल्कुल होगा। चलो अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे कि x-1 x-2 x-3 तो भाई साफ ऐसे कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, 3x-1 इज इक्वल टू a x-2 - 5x होगा ना, -3x - 2x +6 प्लस b x-2 - 4x +3 प्लस c x-2 - 3x। देखो भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम खुद से करके देखोगे, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो खुद से मल्टीप्लाई करके देखेगा, +2, ठीक है ना। तो फिर से इसको कैसे लिखेंगे, 3x-1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c x-2, ठीक है, प्लस अब देखो b वाले केवल x वाले टर्म को क्या करेंगे, x-5a - 4b - 3c प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c हो गया, इतना हो गया। अब देखो भाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया, -5a - 4b - 3c इज इक्वल टू 3 हो गया, x वाले कोफिशियंट को इक्वेट किया तो, और 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया, हुआ ना, ठीक है। यहाँ से a b और c की वैल्यू हम निकालेंगे, a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है, यहाँ के इसके
हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल भी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिए थ्री वेरिएबल्स हैं, तो इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे एलिमिनेट करके या सब्सटीट्यूट करके, कुछ किसी मेथड से हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे अगर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमें ए बी सी की क्या वैल्यू आएगी, ए इज़ इक्वल टू वन, बी इज़ इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है, और सी इज़ इक्वल टू फोर आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो भाई, एलिमिनेट करेंगे वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड्यूलस लगा लेंगे, माइनस फाइव लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस सी, ठीक है, ये अपना इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है। तो ये इस टाइप का अपना एक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो आपका, जैसे क्वेश्चन अगर हो कि पी एक्स प्लस सॉरी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन इस तरह से होता है, ठीक है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे, इसको समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट अपना जो इंटीग्रेशन है वो ये है कि फोर्थ टाइप, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी, ठीक है ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई, समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन बात को समझिएगा, क्या कहता है। अच्छा, फोर्थ है, मैं फिफ्थ भी अभी जो लास्ट टाइप है उसको भी मैं अभी इसी के साथ बता देता हूँ, ठीक है, आगे मैं इन दोनों का एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। तो फिफ्थ आपका टाइप है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, ये सब्सटीट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड में इस तरह से सब्सटीट्यूट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को इस तरह पार्शियली फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। देख रहे हैं आपको फैक्टराइज करने के बाद कितना सिंपल हो रहा है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो रहा था। तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो कुछ, ये जो थर्ड मैंने ये क्वेश्चन किया है, इसको मैं आपको एक तरीके से और बता सकता हूँ, ठीक है। अगर जानना हो तो इसको कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मेथड पूछो, मैं आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है, या फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसका मेथड लेके आऊंगा, दूसरा मेथड जिससे आपको ये जो यहाँ पे मैंने ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए जो आपको बोला था कि एलिमिनेशन या फिर ऐसा कुछ वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन लेके समझेंगे तो और आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं इसके ऊपर, चलो भाई, तो फोर्थ टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ टाइप के ऊपर क्वेश्चन क्या है, थ्री एक्स माइनस टू अपॉन
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए अब इसमें भी पी एक्स का पी की वैल्यू जीरो है तो पी एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री, इस टर्म को किससे रिप्लेस करेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इससे रिप्लेस करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए और बी और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो भाई ध्यान से कि थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ए इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री लिख देंगे नहीं लिख देंगे, ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री लिख देंगे प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री लिख देंगे, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, इससे ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस थ्री, ठीक है। अब देखो कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो a b c a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्योंकि x स्क्वायर ऑल टर्म इन्हीं दोनों में आ रहा था, a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फोर ए प्लस बी प्लस टू सी, ठीक है, एक चीज हमने गलती कर दी है, क्या यहां पे ये नहीं आया, केवल एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है क्योंकि सी के ऊपर सी के नीचे ही एक्स प्लस थ्री था ना, तो एक्स प्लस थ्री तो आएगा ही नहीं, तो देखना ए प्लस सी तो हमारा जीरो आ गया, ये तो एक टर्म सही है। यहां पे सी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो फोर ए प्लस बी प्लस एक्स वाले कोफिशियंट को इक्वेट कर रहे हैं, फोर ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री था, ठीक है। और तीसरा क्या था, थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू था, ठीक है भाई। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है अगर इतना समझ में आ गया तो। अब देखो ध्यान से ए बी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल के इसको एलिमिनेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो भाई ए इज इक्वल टू क्या आया अपना, ए इज इक्वल टू 11 बाई 4 आया, बी इज इक्वल टू क्या आया माइनस 5 बाई 2 आ गया, और सी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 11 बाई 4 आ गया, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू हमें निकल के आ गई है, ठीक है। अच्छा ए बी और सी की वैल्यू निकल के आ गई है तो हम ए बी और सी की वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 11 अपॉन 4 ए के बाहर लिख रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस 5 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 11 अपॉन 4 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। तो देखो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 11 अपॉन 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 5 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 के ऊपर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 11 अपॉन 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस सी, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन कई बार किया है तो इसको मैं
डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11 अपॉन 4 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 5.2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 11 अपॉन 4 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस सी, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम, ठीक है। इंतज़ार करो नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।